नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय वेब चैनल लाइव मध्य प्रदेश और आपके साथ मैं हूं शाहनवाज सुल्तान। चलिए खबरों के खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। बुरहानपुर में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिला। इस बार चोरों ने लालबाग थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी के 3 घरों को अपना निशाना बनाया। घटना रविवार के मध्य रात्रि की है, जहां अज्ञात बदमाशों ने 3 मकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी के सागर महाजन के मकान की जाली तोड़ अलमारी में रखी 60 ग्राम चांदी पर हाथ सांप कर दिया। हमारे यहाँ चोरी की घटना हुई है 2 से 4 बजे के बीच में। जो सामान बिखरा हुआ है, थोड़ा चांदी गई है। घर पे सोए हुए थे, दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए थे चोरों ने। चोरों ने घर में प्रवेश कैसा किया? ये दरवाजा, हॉल का दरवाजा तोड़ के किया उन्होंने। सामान तो अभी बस वो जो चांदी है, चांदी गई है थोड़ी, थोड़े पायल गए हुए। आपको पता कैसे चला कि चोरी? वो तो हम उठे नींद में से, तो दरवाजे बाहर से लॉक थे, तो आजू बाजू वालों को फ़ोन किया, उनको बाहर से बुलाया, उन्होंने दरवाजे खोले, तब पता चला चोरी हुई है। क्या और भी कॉलोनी में और कहीं भी जगह? और पीछे हमारे घर के पीछे जस्ट वहाँ पे भी चोरी हुई है, खिड़की तोड़ी हुई है वहाँ पे। लेकिन दोनों मकानों की जाली तोड़ चोरी करने में असफल हुए। एजे पाटिल ने बताया कि हमारे मकान की जाली तोड़ी लेकिन मकान में प्रवेश नहीं कर पाए। एसके राघानी ने बताया कि मकान में लगी जाली निकाल घर में प्रवेश किया लेकिन कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। चलिए, रात में 2 से 4 बजे के करीब हुई है। 2 बजे तक तो थोड़े हम सजग थे, बाकी 2 से 4 बजे करीब आए, पीछे की ग्रिल काट के अंदर आए, जिसमें पूरी अलमारी खंगाली है, सामान अस्तित्व किया है। जो जाली काटी वो बाहर की है, जो रकम निकाली वो पुरानी समझ के छोड़ चुके हैं, वो भी बाहर पड़ी हुई है। नहीं, फिलहाल तो मतलब ऐसा रिक्स वाली कोई बात नहीं है, बाकी हमको हमारी जान की सुरक्षा के हिसाब से मतलब ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी हमला कर सकते हो हमारे परिवार पर, मतलब जान की है। लालबाग थाना पुलिस ने मौके पर पहुँच जाँच शुरू कर दी है।